ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि पूछा जा रहा है कि गुरु जी कोई ऐसा मंत्र बताइए जो कि सरल हो और क्षण भर में काम कर जाए। तो देखिए, जो सरल मंत्र होते हैं वो बहुत सारे हैं मेरे पास, और उनमें से आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र बताऊंगा जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर देगा। इसकी विधि भी बहुत सरल है और इसको कोई भी प्रयोग में ला सकता है। ये उनको करना चाहिए जो कि प्यार में बावरे हो गए हैं और अपने साथी को देखे बिना दिन चैन नहीं आता, बस 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी का ख्याल मन में रहता है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ये मंत्र आप ही के लिए बना हुआ है। देखिए, एक जादू सा होता है, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके और उसके बीच में कनेक्शन सा बन जाता है, चाहे सामने वाला आपको चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक ऐसी भावना होती है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता। और ये एक ऐसा जादू होता है जो कि आप फील कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी वही फील कर रहा है या नहीं तो ये जानना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार सामने वाला कुछ और सोच रहा होता है और हम कुछ और सोच रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो, किसी का दिल ना टूटे, इसके लिए मैं आपको ये मोहिनी मंत्र दे रहा हूँ। इसको जिस पर भी लगा देंगे तो वो जो है सामने वाला आपके प्यार में वशीभूत हो जाएगा, बस आप ही की माला फेरता रहेगा। मुझे याद है मैंने स्कूल टाइम में ये किसी पर किया था और इसने ऐसे मुझे चमत्कार दिखाए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में मैं इसको समझा नहीं सकता, क्योंकि ये जब मैंने प्रयोग किया था तो कुछ दिनों तक तो इसने कुछ काम ही नहीं किया, तो जो मेरा उत्साह था वो थोड़ा कम हो गया, मुझे लगा कि ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। लेकिन धीरे 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 जब समय बढ़ता गया और मैं फिर भी निरंतर इसको करता रहा, तो एक क्षण ऐसा आया जब इसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और उस समय मैंने देखा कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। बहुत ही बेहतरीन मंत्र है और मैं बरसों से इसको यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, और जब जिस किसी को मैंने दिया, मैं उन्हीं को देता हूँ जिनको कि इसकी ज़रूरत हो। कोई अगर सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए लेगा तो फिर उसमें तो इसमें हानि ही होनी है। टेस्ट मत कीजिए, बस अगर आपके मन में सच्चा प्यार है तभी इसको कीजिएगा तो ये चलेगा, अन्यथा यदि सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए ले रहे तो उससे इसको मत कीजिएगा। और ये जो चीज़ है ये लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं देगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही सरल विधि है। आपको क्या करना है कि जो भी आपका साध्य व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके पति हो, उनके पैर के नीचे की मिट्टी उठा लीजिए शुक्रवार के दिन और थोड़े से उनके बाल ले लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इनको जलाकर भस्म बना लेनी है। आम की लकड़ी में इनको जलाइएगा और इनकी भस्म बना लीजिए। जब ये राख हो जाए तो उस राख को इकट्ठा कर लीजिएगा, थोड़ी सी मतलब कि एक मुट्ठी राख अपने पास रखें और बाकी जो है उस राख का एक पुतला बना लें, और उस पुतले में इनके थोड़े से बाल लगाएं और उसमें बिल्कुल जैसे वैसा तो बनेगा नहीं, लेकिन आपको उन्हीं की छवि बनानी है इसमें कि आप जब इसको देखें तो आपको उनकी याद आए। और हर रोज़, हर सुबह, हर शाम, जब भी आप चाह, जब आप उनको मिस करें या फिर कुछ भी ऐसा हो, जब उनकी याद आए तो आप इस पर, इस पुतली पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, उनको सब कुछ बताएं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति होगा उस पर ये चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। आप जो जो यहाँ पर बता रहे होगे, जितनी अपनी फीलिंग्स दिखाओगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो हैं सामने वाले पर होनी शुरू हो जाएंगी। जो जैसा भी आप सोचेंगे, जैसा भी आप चाहते हैं,
बस उस पुतली पर वो करते जाइए, तो आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, और देखते ही देखते जो आपका साथी है वो आपके कदमों में आ गिरेगा। ये प्रयोग बहुत ही पावरफुल है, और मैंने जिस जिस को ये दिया है इसने अपना काम बखूबी किया है। ये कोई भी कर सकता है और इसमें कोई हानि नहीं होगी, बस लाभ ही लाभ है। लेकिन जब आप ये साधना शुरू करें तो उससे पहले दृढ़ निश्चय कीजिएगा कि जब तक आप इसको साध नहीं लेंगे तब तक आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और बस करते जाइए, रोज़ अपनी बातें उनको सुनाइए। मतलब यूँ समझिए कि आपके सामने वो जो पुतली है बस वो आपका साथी है, तो ऐसा सोचते हुए आपको रोज़ उससे बातें करनी है। और अगर आप उसको बिल्कुल एक जीवित आदमी की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी असर करेगा। अपनी जितनी भी मंशाएं हैं सब उससे बताइए, उनसे बात कीजिए, तो देखते ही देखते सामने वाला जो भी साध्य होगा वो आपके वशीभूत हो जाएगा। ये लगभग एक हफ्ते के भीतर भीतर असर दिखाना शुरू कर देता है। और जब आप साधना काल में हो तो बिल्कुल शांत रहिएगा, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, बस अपने आप में रहिएगा। अगर किसी से बात करनी हो, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही कीजिएगा, वरना अपने आप में रहिएगा, शांत रहिएगा। जितना आप शांत रहेंगे उतना इसमें प्रबल बल मिलेगा। अगर किसी से बात करनी हो और बहुत ज़रूरी हो तभी कीजिएगा, अन्यथा किसी से बात मत कीजिएगा जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। बस आपको बात करनी है इस पुतली से, इससे बात करते करते सोइए। आपका दिन भी इससे शुरू होना चाहिए, रात भी इससे शुरू होनी चाहिए। मतलब कि इतना आपको एक्सट्रीम में ले जाना है कि बस ये आपको असली लगने लग जाए कि इस पुतली में प्राण आ गए हैं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आपका सामने वाला जो साध्य है वो तड़प उठेगा आपके लिए। और ये जो है सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बहुत बड़ा तंत्र है जो कि इसके पीछे काम करता है। तो जो भी साधक हैं, जो भी ये करना चाहिए, जो ये कर सकते हैं, वो इस मोहिनी क्रिया को कीजिएगा, और इसके बाद मुझे बताइएगा कि कितने दिनों में उन्होंने इसका असर देखा, क्योंकि ये कभी विफल नहीं होती। एक बार ये क्रिया किसी पर कर दी तो वो बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा, बिलक उठेगा आपको देखे बिना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर वो साध्य को ना देखेगा तो रोने लग जाएगा, साधक को देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। तो ये किसी पर भी इसका दुरुपयोग ना करें। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो इसकी हानि आप ही को उठानी पड़ेगी। मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं, मैंने उनको दिया और उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, तो इसकी हानियां बहुत हैं, क्योंकि एक विचित्र शक्ति है जो इसके पीछे काम करती है, वो आपको जीने नहीं देगी अगर आपने इसको दुरुपयोग मिलाए तो। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हानि का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। आपको पूर्ण निष्ठा के साथ ये करना है, और इसके बाद देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। जो भी आपका साध्य है जब वो आपको मिल जाए तो थोड़ी सी दान दक्षिणा मुझे ज़रूर दें, क्योंकि बिना गुरु को दान किए आपकी ये साधना सफल नहीं होगी। चाहे तो आप शुरुआत में ही जो भी यथासंभव हो उतना दान करें, और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है शुरू करें, तो आपको इसमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना उस साधना के बारे में, तो मुझे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर। आप व्हाट्सएप कभी भी मुझे कर सकते हैं, लेकिन कॉल सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक ही करें। धन्यवाद।